हेलो गाइस, आप गैंगटॉक में आने का प्लान कर रहे हैं और आपको होटल चाहिए। होटल के लिए कंसर्न यहाँ पे घूमने जो लोग आते हैं टूरिस्ट उनका अक्सर रहता है, क्योंकि बजट होटल, चीप एंड बेस्ट होटल MGMR के ऊपर। तो उसी बेसिस के ऊपर मैं आज दो चीप एंड बेस्ट होटल आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ, जो कि है बजट फ्रेंडली एंड चीप एंड बेस्ट, जो कि प्रॉपर MGMR जो कनेक्टिंग न्यू मार्केट है उसी के ऊपर ही है। सो लेट्स स्टार्ट। मैं हूँ अभी MGMR कनेक्टिंग न्यू मार्केट के एकदम पास। ये न्यू मार्केट MGMR कनेक्टिंग, और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये होटल अन्नपूर्णा। ये अगर प्लान कर रहे हैं कि होटल अन्नपूर्णा में आपको स्टे करना है, ये बजट होटल है, तो यहाँ पे भी आप स्टे कर सकते हैं। मैं थोड़ा दिखाता हूँ। ये है होटल अन्नपूर्णा का रिसेप्शन। और दादा आपका नाम क्या है? मोहम्मद अख्तर। मोहम्मद अख्तर जी, तो अख्तर जी मेरे को थोड़ा सा ये आपका जो होटल है, होटल अन्नपूर्णा, इसका थोड़ा टूर दे दीजिए। रूम टूर अगर कुछ खाली रूम है, जैसा कि व्यू रूम, नॉन व्यू रूम, तो उस हिसाब से टैरिफ भी बता दीजिएगा। क्या टैरिफ है, क्या नॉन व्यू का टैरिफ, क्या आपका व्यू का टैरिफ, और क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, वो तो बाद में मैं पूछ लूँगा। पहले हमको थोड़ा रूम टूर दिखा दीजिए। ठीक है, ठीक है। ये है उनका रिसेप्शन होटल अन्नपूर्णा का। आपका वाईफाई फैसिलिटी यहाँ पे है? फ्री वाईफाई है। ओके, ठीक है, थोड़ा रूम दिखा दीजिए हमको। चलिए, आपका यहाँ पे टोटल कितना फ्लोर है? 3 फ्लोर है, 10 रूम है। 3 फ्लोर है, 10 रूम है जी। और MGMR के ऊपर रहना चाहते हैं तो ये एक आपका बेटर ऑप्शन है। ये है 106 नंबर रूम, बालकनी रूम। वाह, ये रूम तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे डबल बेड है और साथ में 2 सोफा रखा हुआ है। टेबल है यहाँ पे, आपका ड्रेसिंग टेबल है, और साथ में मिरर भी है, और यहाँ पे एक सिंगल बेड भी है। एक बालकनी है सर, यहाँ पे एक सिंगल बेड भी है, टीवी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक कपबोर्ड है, और मैं दिखाता हूँ इसका एडवांटेज इस रूम का। देखिए बैल्कोनी, इस बैल्कोनी से तो आपको पूरा MGMR कनेक्टिंग जो न्यू मार्केट है, ये न्यू मार्केट है, और सामने थोड़ा आगे जाके MGMR है। तो ये देखिए व्यू, देखिए आपको आराम से यहाँ पे बैठ के पूरा ये बाजार जो मार्केट है, मेल एरिया का व्यू आराम से आपको दिखेगा। बहुत ही सुंदर जगह है ये, सामने मेलो फेलो। उधर है डोमा रेसिडेंसी, और डिफरेंट डिफरेंट रेस्टोरेंट है। आप अगर थोड़ा आगे जाएंगे, खानांकेल है, आपको दिख रहा होगा। हाँ, खानांकेल है, उसी के बगल में बहुत सारा है। वहाँ पे भी रेस्टोरेंट है। सामने है तासी डिलेक है, वहाँ पे आपका नागा का जो, नागालैंड का जो रेस्टोरेंट वो भी है। साथ में आपका चॉपस्टिक है। आप थोड़ा और आगे जाएंगे, दे स्वीट्स है। बहुत ही सुंदर जगह है, अच्छा लोकेशन पे है ये रूम। और इसका टैरिफ क्या है? इसका सीजन में 3500, ऑफ सीजन में 1500-1600। ऑफ सीजन में 1500-1600 में आप ये रूम को दे देते हैं, लेकिन सीजन टाइम में आप 3500। अच्छा, इस टाइम क्रिसमस के टाइम में। अच्छा, थोड़ा बाथरूम दिखा देता हूँ इनका। बाथरूम देखिए, वेस्टर्न टॉयलेट है, और आपका गीजर फैसिलिटी है। बाथरूम नीट एंड क्लीन है, यहाँ पे बेसिन है, एक मिरर भी दिया हुआ है, ठीक है, अच्छा है। शावर फैसिलिटी भी है, तो बाथरूम भी अच्छा लगा। अभी मैं और एक रूम में घुस रहा हूँ, जो कि है 105, और ये भी व्यू रूम है। व्यू रूम का देखिए बाथरूम दिखाता हूँ पहले। देखिए बाथरूम, यहाँ पे गीजर फैसिलिटी है, यहाँ पे आपका जो जो वेस्टर्न टॉयलेट है, बेसिन है, ठीक है, और ये डबल बेड है, ठीक है, ये डबल बेड है। यहाँ पे टीवी दिया हुआ है, एक मिरर है, और यहाँ पे आपका एक कपबोर्ड है, यहाँ पे 2 सोफा है, ठीक है, यहाँ पे एक टी टेबल रखा हुआ है, और यहाँ से भी आपको व्यू दिखेगा। देखिए यहाँ से भी आपको व्यू दिखेगा, अच्छा व्यू दिखेगा। आप यहाँ पे सोफे में बैठ के आराम से चाय का मजा लेते हुए आप MGMR का जो कनेक्टिंग जो न्यू मार्केट है उसका व्यू आराम, उसका मजा उठा सकते हैं। आप देख लीजिए, आपका रेस्टोरेंट भी है क्या? नहीं, किचन है, और मतलब आप वेज नॉन वेज सभी टाइप का खाना बना सकते हैं। थोड़ा मेनू कार्ड दिखा सकते हैं? हाँ, मेनू ही सर, आप
मैडम मेरे को मेन्यू कार्ड दिखा दीजिए। देखिए यहाँ पे अगर चाहे आप बांग्लादेश से भी आते हैं या इंडिया के किसी पार्ट से भी आते हैं तो आपको यहाँ पे सब टाइप का फैसिलिटी आपको मिलेगा। जैसा कि आपको यहाँ पे देखिए बेवरेज में मिल्क टी से है, मिल्क टी, ब्लैक टी, ब्रेकफास्ट में आपको कॉर्नफ्लेक्स विथ मिल्क, हाँ, बटर टोस्ट, बटर ब्रेड, ये सब मिलेगा। वेजिटेबल में क्या क्या मिलेगा, ग्रीन पीस मसाला, पनीर बटर मसाला, मटर पनीर, आलू बटर, आलू दम, ये सब मिलेगा। राइस और रोटी, जैसा चापाती, चापाती बटर, प्लेन राइस, जीरा राइस, यहाँ पे रेट आप देख सकते हैं, रेट भी लिखा हुआ है। और नॉन वेज में क्या क्या मिलेगा, एग करी है, फिश फ्राइड राइस है, फिश फ्राइड है, चिकन करी है, चिकन बटर मसाला है, पनीर चाउमीन है, एग चाउमीन है, चिकन चाउमीन है, मतलब आपका चाइनीज़ आइटम भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये है होटल अन्नपूर्णा का मेनू कार्ड। और इसका रेट भी क्या वही है क्या, ये जो रूम आपने दिखाया है डबल बेड? हाँ, वैसे 1500 तक, मतलब ये नौ बेड, ये ना, ये जो रूम आपने दिखाया अभी 105 जो है डबल बेड, इसका सीजन में क्या प्राइस है? इसका 1200, सीजन में इसका 2200 रुपया है। सीजन में 2200 और ऑफ सीजन में 1200-1300। हाँ, अभी मैं 104 दिखाने वाला हूँ। 104 रूम भी बहुत सुंदर है, ये नॉन व्यू रूम है। अख्तर जी, कि ये जो रूम है, ये रूम क्या प्राइस क्या है? इसका 1800 रुपया है। अच्छा, ऑफ सीजन में 1800 रुपया, ऑफ सीजन में है, सीजन में 2800 रुपया। 2800 रुपया, थोड़ा मैं रूम देख लेता हूँ। इसमें चार आदमी आराम से रह सकते। देखिए यहाँ पे सोफा दिया हुआ है, यहाँ पे आपका तीन आदमी तो आराम से उस बेड में अकोमोडेट हो जाएगा। एक टीवी दिया हुआ है, हैंगर है, एक मिरर है, एक टेबल है, यहाँ पे भी आपका क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक बेड दिया हुआ है। और आप लोग क्या मान लीजिए इस रूम में तो चार आदमी आराम से रह सकता है। तो अगर मान लीजिए कि और एक आदमी रहना चाहता है तो क्या एक्स्ट्रा बेड अकोमोडेट हो सकता है? इसमें नहीं होगा, जो बालकनी रूम है उसमें एक्स्ट्रा बेड आते हैं। एक्स्ट्रा बेड हो सकता है। एक्स्ट्रा बेड का क्या चार्जेस है? उसका 300-400। आप लोग जीएसटी लेते हैं जो आप रूम टैरिफ जो बोला आपने 12% इंक्लूडिंग जीएसटी? इंक्लूडिंग जीएसटी 12% लेके जो आपने टैरिफ बोला। ठीक है, ठीक है। अभी मैं इस रूम का बाथरूम भी दिखा देता हूँ। देखिए ये वेस्टर्न टॉयलेट है, यहाँ पे भी आपका गीजर फैसिलिटी भी है और बेसिन है, ठीक है, और ये भी नीट एंड क्लीन है। आप एनजी मार्ग के आसपास अगर बजट फ्रेंडली होटल में रहना चाहते हैं तो ये एक बेटर ऑप्शन है आपके लिए। तो अच्छा लगा इनका होटल। मैं और भी रिसेप्शन में जाके और भी कुछ पूछूंगा इनसे। हाँ, अख्तर जी, ये बताइए आपका जो ये होटल अन्नपूर्णा है, अगर यहाँ पे कोई टूरिस्ट आता है तो क्या क्या सर्विस आप देते हैं यहाँ पे? अगर टूरिस्ट आता है, चाहे बांग्लादेश से आए, चाहे इंडिया का कोई भी पार्ट से आए, चाहे बंगाली आए कोलकाता से, तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या क्या फैसिलिटी आप प्रोवाइड करते हैं? टैक्सी अवेलेबल हम लोग करते हैं। आप लोग यहाँ पे टूर एंड ट्रेवल्स है? जी जी, टूर एंड ट्रेवल्स का आप पूरा टूर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कोई नॉर्थ सिक्किम जाना चाहता है, कोई वेस्ट सिक्किम, साउथ सिक्किम, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, सब कुछ करते हैं ना? क्या मंदिर, ओके, लोकल साइट सीन, लोकल साइट सीन सब कुछ करते हैं ऑर्गेनाइज। और आपका आपका तो मैं मेनू कार्ड देखा, चाहे वेज हो नॉन वेज हो आप बना के दे सकते हैं। रूम सर्विस देते हैं, रूम सर्विस देते हैं, रेस्टोरेंट नहीं है, रूम सर्विस देते हैं। और साथ में क्या है कि आपका फ्री वाईफाई फैसिलिटी है। वाईफाई, क्योंकि सर वाईफाई बगैर तो नहीं होता, नहीं, क्योंकि बांग्लादेशी आता है उनको तो सिम काम नहीं करता है। राइट राइट, वो वाईफाई से कॉल करते हैं, प्लस जो इंडियन आते हैं उनको भी वाईफाई चाहिए, कोई लैपटॉप चलाते हैं, ओके ओके, तो मोबाइल में जीबी कम मिलता है। तो बीएसएनएल का हम लोग का बस वाईफाई है, ओके, हम लोग अवेलेबल, एकदम अवेलेबल 24 आवर्स। आप जो अभी रिसेंटली जो रूम दिखाया वो रूम के बराबर ही दूसरा व्यू रूम भी वैसा ही है क्या? दोनों व्यू रूम है, 105-106 दोनों व्यू, दोनों व्यू रूम, दोनों व्यू रूम। और बाद बाकी आपका नॉन व्यू रूम है? बाकी नहीं, जैसे कि हम लोग का 6 रूम पूरा व्यू है। ओ, 6 रूम पूरा व्यू है। 105 है, 109 है, 110 है, 113 है, 114 है, जो हम लोग का 114 रूम है उसमें से पूरा कंचनजंगा बालकनी से देख सकते हैं। ओ अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, वहाँ से। तो उसका भी टैरिफ क्या वही है क्या? सेम है, रूम सेम है, सब कुछ सेम है, थोड़ा ऊपर है। अच्छा, ऊपर है, जो पैदल ऊपर उठ सकते हैं सीढ़ी में, तो बालकनी से बैठ के वो रूम का वो रूम बुक कर सकते, वो रूम बुक करके उसका जो कंचनजंगा जो फैसिलिटी वो ले सकते, वो ले सकते, वो दिख सकते हैं एकदम पूरा क्लियर देख सकते हैं। ठीक ठीक, तो थैंक यू सो मच, आपका होटल बहुत अच्छा लगा, बजट फ्रेंडली भी होटल है आपका। ये मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इनका होटल का कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा। मैं हूँ अभी होटल बेन जो है लॉज एंड रेस्टोरेंट, इसके सामने। ये बेन जो होटल है इसका आपका पार्किंग एरिया है, यहाँ पे पार्किंग भी आप कर सकते हैं। अगर आप फोर व्हीलर लेके आते हैं, बाइक लेके, टू व्हीलर लेके आते हैं तो पार्किंग भी कर सकते हैं।
और ये होटल बेन का क्या बोलते हैं डाइनिंग स्पेस। देखिए ये डाइनिंग स्पेस है होटल बेन का और ये रिसेप्शन एरिया है होटल बेन का। तो आपका नाम बोलिए सर जी। हिमांशु सिन्हा नाम है सर। हिमांशु जी सर। अच्छा हिमांशु जी, जी आपका टोटल यहाँ पे बेन में कितना रूम है टोटल? 18 रूम है सर। 18 रूम है। व्यू रूम कितना है, नॉन व्यू रूम कितना है? या तो मार्केट में तो व्यू नहीं, फ्रंट साइड मिल जाएगा आपको। फ्रंट साइड मतलब ये साइड मिल जाएगा, इस साइड मिल जाएगा जी सर। ठीक है। इस साइड का रूम कितना है? इस साइड का 10 है। 10 है। और नॉन व्यू जो रूम है वो 8 है। 8 है जी सर। थोड़ा हमको मतलब इस साइड का जो फेसिंग रूम है जी सर, जो भी आपको खाली है वो दिखा दीजिए। अच्छा। और व्यू नॉन व्यू जो रूम है वो भी दिखा दीजिए। अच्छा। मैं उसके बाद आपसे रेट का क्या है रेट आपको पूछ लूंगा। ठीक है सर। ठीक है ठीक है। तो आप दिखाएंगे? हाँ जी सर। चलिए अभी ऊपर में है आपका टोटल। आपका यहाँ पे कितना फ्लोर है? यहाँ पे आपका 4-5 फ्लोर। 5 फ्लोर है। मतलब मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ 10 नंबर रूम। ये 10 नंबर रूम है इनका। ये नॉन व्यू रूम है। देखिए यहाँ पे एक सिंगल बेड है। थोड़ा एमजी मार्क भी दिखेगा। ओ यहाँ से थोड़ा एमजी मार्क भी दिखेगा, दिख रहा है। ये तो सामने कॉफी शॉप है, सामने मेलो फेलो होटल है। ये बिल्डिंग नीचे इसी मेलो फेलो का भी मैंने बनाया था, मेरा वीडियो में आप देख भी सकते हैं। और ये देखिए ये डबल बेड है, आराम से यहाँ पे 2 आदमी एकोमोडेट हो जाएगा। एक सोफा है कुशन वाला। और यहाँ पे आपका एक सिंगल बेड है, साथ में एक टेबल दिया हुआ है। यहाँ पे बाथरूम देखिए, टीवी है यहाँ पे। बाथरूम मैं दिखाता हूँ, बाथरूम देखिए नीट एंड क्लीन एकदम, वेस्टर्न टॉयलेट। और बेसिन है आपका, गीजर भी है। ठीक है, आप लोग 24 घंटा गीजर सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना? 24 घंटा, 24/7। ओके, इसमें 4 आदमी आराम से रह सकता है। ओके ठीक है। और सीजन ऑफ सीजन का रेट होता है, रेट से कोई बात नहीं है सर। कॉन्टेक्ट है, कॉन्टेक्ट कीजिए। सीजन ऑफ सीजन का जो रेट चलता है वो बताया जाएगा। फिर भी सीजन का रेट क्या है? सीजन का रूम का सर 2000 चाहिए। 2000 सीजन का जी सर। और ऑफ सीजन का? ऑफ सीजन का 1200 इतना ही है सर। 1200 जी सर। That means 1200 एमजी मार्क के पास 1200 में रूम मिल रहा है सर। जी जी। तो देखिए बजट होटल आप अगर ढूंढ रहे हैं एमजी मार्क के पास, ये एक आपका बेटर ऑप्शन है। आप यहाँ पे आके बुक कर सकते हैं। यहाँ पे एक डबल बेड है, देखिए यहाँ पे एक कपबोर्ड भी दिया हुआ है। यहाँ पे आपका कपड़ा वपड़ा भी रख सकते हैं। चलिए अभी दूसरा रूम, ये है 11, रूम नंबर 11। हाँ जी सर। ये डबल बेड के हैं। यहाँ पे 2 आदमी या 3 आदमी आराम से रह सकता है। देखिए अच्छा, भी अच्छा रूम है। थोड़ा बाथरूम दिखा देता हूँ। बाथरूम देख लीजिए आपका क्या बोलते हैं, गीजर है। यहाँ पे आपका बेसिन है, वेस्टर्न टॉयलेट है। ऑफ सीजन में 1500-1800 और 1000-1200 में ये रूम ऑफ सीजन में मिल जाएगा। सीजन में 1500-1800 मिल जाएगा सर। ठीक 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 ठीक, फ्लोर के हिसाब से रेंट मिल जाएगा आपको। ओके 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 ठीक ठीक ठीक। मान लीजिए आपका कोई टूरिस्ट आके आपको कांटेक्ट करता है तो कांटेक्ट से आप बुकिंग हो जाएगा ना? हाँ बुकिंग हो जाएगा कांटेक्ट से। कांटेक्ट नंबर मतलब फोन नंबर, मैं इनका फोन नंबर मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और मेरे को बताइए आपका बेन में अगर कोई रहता है तो क्या क्या आप फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे? वो होटल में कांटेक्ट करने से वो गाड़ी जो अरेंज करना है, टूर पैकेज जितना है वो टूर पैकेज हम मिला सकते हैं। चाहे छांगू जाए, नाथुला जाए, बाह मंदिर जाए, नॉर्थ सिक्किम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, सबका ही आप कर सकते हैं। पिकअप ड्रॉप सब होता है, सब हो सकता है। और वाईफाई है कुछ आपका? हाँ वाईफाई है, फ्री वाईफाई फैसिलिटी भी है जी सर। और आपका रेस्टोरेंट है, ये क्या वेज नॉन वेज दो टाइप का खाना मिलता है आपका यहाँ पे? दोनों मिलता है, वेज नॉन वेज दोनों मिलता है। ओके 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 जी सर। थाली सिस्टम खाना है? थाली सिस्टम भी खाना है जी सर। थोड़ा मेनू कार्ड दिखा सकते हैं? मेनू कार्ड यहीं पे। अच्छा मेनू कार्ड मैं थोड़ा दिखा देता हूँ क्या क्या टाइप का यहाँ पे फूड मिलता है। देखिए यहाँ पे आपका जैसा कि होटल बेन में ब्रेकफास्ट है, मेन कोर्स में है क्या क्या, फिर आपका ट्रेडिशनल फूड में क्या क्या, यहाँ पे वेज मोमो भी मिलता है, स्नैक्स है, नॉन वेज में क्या क्या मिलेगा आपको रेट भी पता चल रहा होगा। देखिए ये होटल बेन का रेस्टोरेंट का जो फूड आइटम उसका मेनू कार्ड। आप GST लेते हैं क्या? हाँ GST लेते हैं। और 12% GST भी लेते हैं? जी जी जी। ओके तो आपने अभी जो रूम रेंट जो बोला आपने तो वो एक्सक्लूडिंग GST है? वो इंक्लूडिंग GST है सर। इंक्लूडिंग GST है। ओके 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 ठीक है ठीक है। तो अच्छा लगा। अगर आप हमारे यहाँ सर ग्रुप आएंगे तो ग्रुप में आएगा 60-70 आदमी, तो उसके लिए भी
यहाँ पे अवेलेबल है ना, पार्किंग फैसिलिटी भी अवेलेबल। हाँ पार्किंग फैसिलिटी मैं देखा यहाँ पे, टू व्हीलर फोर व्हीलर आप कोई भी लेके आ सकते हैं, आराम से रख सकते हैं, वो भी एमजी मार्ग के पास। ये एक बेन जो होटल है इसका फायदा है हम लोग क्या, और बजट फ्रेंडली ये होटल है जी सर। हम लोग यहाँ किचन ग्रुप भी रह सकते हैं। अच्छा किचन ग्रुप भी आप मतलब ऑर्गेनाइज कर देते हैं यहाँ पे, कोई आता है तो जी सर फूडिंग लॉजिंग भी यहाँ पे अवेलेबल करते हैं। ओके ओके थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसे ही बहुत सारा वीडियो आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।